फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सॉफ्ट वर्क। गाइस, आज की वीडियो है डे नाइट और विंडो पर, जिसमें हम डे और नाइट विंडो तैयार करेंगे। तो ये कैसे तैयार करनी है, उससे पहले हम अपना रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसा दिखेगा। तो अभी हम डे मोड पर हैं, और जब हम अपने बटन को नाइट मोड पर करते हैं तो हमारी जो विंडो का कलर है वो ब्लैक हो रहा है और फॉरग्राउंड भी नाइट मोड टेक्स्ट का चेंज हो रहा है। तो हमारी विंडो का जो ये मोड है और ये टॉगल बटन जो है, इसको टॉगल बटन बोलते हैं, ये कैसे तैयार करना है। तो चलते हैं अपनी नई विंडो के ऊपर। सो लेट्स क्रिएट इट। सबसे पहले हम अपना टिकेंटर को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री दे देते हैं डॉट ज्योमेट्री इज इक्वल लगभग 500 × 500, और टाइटल डाल देते हैं डॉट टाइटल, जो रहेगा हमारा डे नाइट GST डॉग। तो अभी एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारी विंडो है, यहाँ पर अभी हमें एक लेबल चाहिए जो हमारा डे नाइट मोड बताएगा, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें एक बटन चाहिए। तो पहले हम अपना लेबल तैयार कर लेते हैं। लैब, इसमें चाहिए मुझे अपना लेबल जो होगा रूट के ऊपर, इसमें टेक्स्ट है अभी डे मोड, और इसका साइज रखने के लिए हम इसका फॉन्ट दे देते हैं फॉन्ट इक्वल एरियल एरियल साइज 20, और इसका हमें फॉरग्राउंड दे देते हैं FG इज इक्वल ग्रीन। इसको प्लेस करते हैं, हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो इसलिए इसको लेते हैं रियल एक्स, जो कि हमारी एक्स एक्सिस पर है, वो चाहिए हमें 0.5 के ऊपर, और बी रियल वाई जो है 0.5, जो है हमारी विंडो का सेंटर, और एंकर डाल देते हैं इसका मतलब है सेंटर। ओके, अभी इसको अभी एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सॉरी, ये हमारा रहेगा, इसको हम कर लेते हैं एक बार कंट्रोल एक्स, ये रहेगा हमारा ऊपर, ये तो हमारा था लेबल, तो बटन हमें सेंटर में चाहिए था। तो अभी बटन को क्रिएट कर लेते हैं BTN इज इक्वल बटन, चाहिए हमें रूट के ऊपर, टेक्स्ट एक बार रख लेते हैं इस पे क्विक मी, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें। इसको करते हैं BTN डॉट प्लेस, और यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू को कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। तो चेक करते हैं अननोन ऑप्शन एडी, तो यहाँ पर पैक चाहिए हमें पैक। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी तैयार है। तो हमारा फॉरग्राउंड आ रहा है, हमारा लेबल, और यहाँ पर हमारा जो बटन है बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो
बटन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इमेजेस का जरूरत होती है। टेकेंटर हमें किसी भी तरह का कोई टॉगल बटन प्रोवाइड नहीं करवाता, तो उसके लिए हमें दो इमेजेस चाहिए। तो मैंने इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर रखी है इंटरनेट से, तो फोटो इमेज का यूज करके हम यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट करेंगे। फोटो इमेज पर मैंने पहले भी दो इमेजेस दो वीडियोस बना रखी हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करना होता है इमेज को, और कैसे आइकन सेट करते हैं टिकेंटर विंडो का, वो भी उसमें सारा कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर हमें इसका पाथ डालना होता है। मैं चलता हूँ, ये रही मेरी इमेज, देख सकते हैं। इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं टॉगल बटन का, टॉगल बटन को सर्च करके। तो यहाँ से मैं इसका जो कंट्रोल सी से इसका लोकेशन इसकी कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर हमें एक स्लैश और देकर इसका नाम जो है वो भी लिख लेना है। तो मेरे इस नाम का बटन है ऑन। आप अगर आपकी इमेज का नेम बड़ा है तो आप उसको कॉपी कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर भी हमें एक ऑफ भी चाहिए, तो फोटो इमेज फाइल इक्वल आर, और यहाँ पर जो इनका पाथ था वो तो सेम ही था क्योंकि दोनों ही डेस्कटॉप पर हैं। तो यहाँ पर मैं स्लैश देकर इसका नेम जो है डबल एफ और यहाँ पर ऑफ लिखकर मुझे देना है डॉट png, जो कि इसका फॉर्मेट है। आप यहाँ पर png को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हमें अपने बटन के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर हमें एक मेथड का यूज करेंगे जो है इमेज इज इक्वल, हमें अपने वैल्यू जिसमें हमारी इमेज स्टोर है उसका नाम लिखना है और। सब ओके, चेक करते हैं। देखिए हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, तो हमारी इमेज प्रॉपरली आ चुकी है। हमने ऑन को ही कॉल किया था तो ऑन ही आई है, अगर ऑफ लगते तो यहाँ पर ऑफ आती। तो अब देखिए हमारी इमेज जो है प्रॉपर आ चुकी है, लेकिन जो बटन है वो इसके हिसाब से आ रहा है, यहाँ से इसका जो बॉर्डर है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है। यहाँ पर हमें लिखना है bd जो है हमारा बॉर्डर, और इसको कर देना है 0। अभी अगर आप देखें तो हमारा जो बटन है बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है हमारी विंडो के ऊपर, कलर भी प्रॉपरली हो रहा है। अब हमारा मेन जो काम है कि हमें अपने टॉगल बटन हमारा काम कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें एक वैल्यू ले लेनी होगी। मैं ले लेता हूँ ऑन इज इक्वल ट्रू, तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हमें एक बूलियन वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि ट्रू। जब हम कोई कंडीशन लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन का नाम रख लेते हैं हम स्विच। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, और हमें इसे ऑन को करना होगा पहले ग्लोबल, ताकि हम इसे फंक्शन में यूज कर सकें ऑन। और अभी हमें जब कोई कंडीशन लेनी होती है, जैसे मैं कंडीशन लिखता हूँ तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो मैं ऐसी कंडीशन लेता हूँ जो ट्रू है। तो मैंने ऑन में ऑलरेडी एक बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ट्रू सेट कर रखी है, अगर यहाँ पर मैं ऑन लिखता हूँ तो ये चलेगा। और यहाँ पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ अपने, मुझे चाहिए अपने लेबल में चेंजेस, मैं लेब डॉट लिखता हूँ, लेब डॉट कॉन्फिज मेथड का यूज करूंगा कॉन्फिज। और यहाँ पर मैं इसका कर रहा हूँ टेक्स्ट जो है
वो चेंज हो, वो है NIGHT मोड। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ये एक बार चल जाएगा और यहाँ पर मैं ऑन को कर रहा हूँ फॉल्स फॉल्स। एक बार मैं फिर से आखिर में समझा दूंगा आपको ये कैसे काम करता है। तो अभी हमें चाहिए अपना else part, यहां पर मैं लिखता हूं else, जिसमें होगा हमारा label और यहां पर dot कॉन्फिस मेथड से फिर से हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे जो है डे। और अभी इसको एक बार, अभी हमें ऑन को फिर से ट्रू करना होगा। चेक करते हैं हमारा जो बटन है वो आ रहा है, तो हमने अपनी इमेज को नहीं अभी इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो बटन की इमेज है उसमें भी चेंजेस करूँगा। तो मैं लिखता हूँ btn डॉट कॉन्फिस और यहाँ पर मेरी जो इमेज है, इमेज इस इक्वल हो जाए ऑफ ऑफ इमेज मेरी जो है वो दिखनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे चाहिए अपनी इमेज डॉट इमेज डॉट कॉन्फिस, इसमें चाहिए इमेज इज इक्वल ऑन। तो चेक करते हैं, वैसे इसको शायद ऊपर रखना है, तो आ नहीं रही है, तो देखिए यहाँ पर सॉरी हम अपनी जो फंक्शन है उसको कॉल करना भूल गए। तो हमें अपने फंक्शन को कमांड देनी है कि बटन को कि तुम्हारे लिए कोई फंक्शन है, कमांड इज इक्वल स्विच जो कि हमारे फंक्शन का नाम है। चेक करते हैं तो विंडो रेडी है, तो हमारा ऑफ बटन भी जो है वो आ रहा है और हमारा जो फोरग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। अभी हमें चाहिए इसका जो कलर है ऑफ का, इसका जो बीजी है वो चाहिए हमें, सॉरी एफ जी चाहिए ग्रे, एफ जी इज इक्वल ग्रे। और सब कुछ ओके है। अभी मेन काम जो है वो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी रूट का कलर चेंज कर देना है। अभी हम लिखते हैं रूट डॉट कॉन्फिज मेथड का यूज करके हमें रूट का जो बैकग्राउंड है वो कर देना है यहाँ पर ब्लैक। और उसी तरह से else part में भी हमें अपनी रूट का जो कलर है कॉन्फिज मेथड से कर देना है ब्लैक। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो मैं आखिर में आपको फुली डिटेल में सारा प्रोग्राम समझाऊंगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर,
कैसे वर्क करता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ग्रे तो नहीं हुआ, तो हमारी रूट का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक और वाइट हो रहा है। और अभी हमें ये क्या करना है, इससे वाइट नहीं हो रहा, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। हमें इमेज के पीछे का जो कलर है वो भी चाहिए मुझे वाइट। PG इज इक्वल वाइट, और यहाँ पर FG नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा BG इज इक्वल ब्लैक, और यहाँ पर इसका FG आएगा FG इज इक्वल ग्रे ग्रे, और यहाँ पर इसका FG आएगा फॉरग्राउंड है वो आएगा ग्रीन। तो एक बार चेक करते हैं, डे मोड तो हो गया नाइट मोड पर, और अभी यहाँ पर इसका टेक्स्ट का BG भी हमें ब्लैक करना है तो यहाँ पर, और फिर से वाइट मोड ऑन हो रहा है लेकिन रूट का जो BG चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने BG तो लिखा ही नहीं। BG इज इक्वल वाइट, और यहाँ पर हमें अपना बैकग्राउंड जो देना है BG इज इक्वल वो होगा ब्लैक। ओके, और यहाँ पर भी हमारा जो बैकग्राउंड है वो होगा वाइट। थोड़ा ये सारा कंफ्यूजिंग है, इसमें तो ध्यान से करना होगा। तो चेक करते हैं प्रोग्राम, आई थिंक अभी बिल्कुल रेडी है। डे मोड पर, नाइट मोड पर बिल्कुल परफेक्टली हमारा बटन जो आ गया है, हमारा टेक्स्ट आ रहा है, और फिर से डे मोड पर हम आ जाते हैं। तो इस वीडियो में फुली आपने डिटेल में देखा, तो मैं एक बार अपना प्रीव्यूस बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये हमारी एक सिंपल टिकेटर विंडो, फोटो इमेज मेथड से हमने दो इमेजेस को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर हमने इमेज को मेथड से यहाँ पर जिस भी इमेज का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू का वो इमेज हमें रूट विंडो पर शो होगी। तो स्विच मेथड में क्या है, अपने फंक्शन में यहाँ पर ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका जिसकी वैल्यू हमने ट्रू ली है, इसका मतलब है कि ये अभी रन करेगा। तो मैंने इसमें ऑन लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ पर है ट्रू कि इसको एक बार इसको चलना है, एक बार नहीं इसको चलना है। तो ये चला, ये जब प्रोग्राम ये तीनों लाइंस चल गई तो मैंने कहा कि ये अभी फॉल्स है, तो ये हो गया फॉल्स। अभी देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक बार कोड चल गया, मैंने बटन को क्लिक किया कॉल हुआ, यहाँ से एक बार ये कोड चल गया, अभी ये फॉल्स हो गया है। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑन नहीं है, ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तभी एल्स पार्ट चलता है, अभी फॉल्स है तो अभी एल्स पार्ट चलेगा और फिर से इस पर आ जाएगा, और आखिर में मैंने फिर कहा कि ये ट्रू है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये कोड एक एक बार चल रहा है, एक बार इफ पार्ट चल रहा है और एक बार एल्स पार्ट चल रहा है। तो खाली मैं ऐसे प्रोग्राम बनाकर छोड़ देना और कोडिंग कर देना कोई प्रोजेक्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए, यही मेन मोटिव है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी लगी, और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर।